किसान समिति ब्लॉक घड़साना द्वारा स्वाभिमान किसान ट्रैक्टर रैली का सीमावर्ती क्षेत्र 365 रावला व घड़साना होते हुए उपखंड कार्यालय पर विसर्जन हुई, जिसमें उक्त रैली में केंद्रीय सरकार के तुगलक की 3 कृषि अध्यादेशों व डीजल की बड़ी कीमतों को वापस लेने की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। उपखंड कार्यालय का घेराव कर हजारों किसानों ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए वक्ताओं ने मोदी हाय हाय के नारे लगाए। उपखंड अधिकारी राम अवतार कुमावत को गंगानगर किसान समिति ब्लॉक हरसाना के वकील बलविंदर सिंह व किसान नेता राजू जाट के नेतृत्व में प्रधानमंत्री दिल्ली मार्फत उपखंड अधिकारी घरसाना को अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन दिया। गंगानगर किसान समिति के द्वारा SDMO को ज्ञापन दिया है, जो किसानों के खिलाफ काला कानून केंद्र सरकार ने बनाया उसके विरोध में ये कानून है। किसानों की जमीनें हड़पने और किसानों को फसलों का उचित भाव ना मिल सके, ऐसा किसानों के साथ सरकार खिलवाड़ करती है। अगर समय रहने पर उन्होंने कानून वापस नहीं लिया तो हम पूरे देश में उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। कानून के विरोध में पूरे देशव्यापी आंदोलन के तहत तमाम किसान संगठनों ने विरोध किया, जिसके तहत घड़साना के अंदर गंगानगर किसान समिति के द्वारा SDM को ज्ञापन दिया गया, हमारी भावनाओं से अवगत करवाया गया है। अगर आने वाले समय के अंदर सरकार हमारी बात को मानती है तो ठीक है, अन्यथा देश के तमाम किसान संगठन मिलकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आज हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, जरूरत पड़ी तो हम फिल्म दिखाने के लिए भी सड़कों पर उतरेंगे। निश्चित तौर पर कोरोना की आड़ में देश की सरकार किसानों के विरोध में ऐसे कानून ला रही है जिससे मंडी एक्ट खत्म हो रहा है, जिससे किसान खत्म हो रहा है, डीजल के भाव बढ़ रहे हैं और तमाम स्थानीय मांगे हैं उनको लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया है और हमारी भावनाएं SDM साहब को हमने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पहुंचाने का काम किया है।